आपका स्वागत है आर्यन कला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आर्ट टीचर बनना चाहते हैं, कला अध्यापक बनना चाहते हैं, तो डेली आपको प्रैक्टिस सेट करना जरूरी है। यानी डेली आप क्वेश्चन से रूबरू होंगे ही होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है, जिससे असफलता की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि डेली अपने चैनल पर अपना आर्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर दूँ, और जिससे आप पढ़ के आपका रिवीजन बराबर होता रहे, प्रॉपर होता रहे, और आपकी आपको सफलता मिलने के लिए आप रेडी रहो। ठीक है, तो इसलिए अगर आप वीडियो प्रॉपर नहीं देख पा रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और डेली का डेली वीडियो देखें। क्वेश्चन आंसर, नए नए क्वेश्चन आंसर किससे रूबरू हो, सामने आपके नए नए क्वेश्चन आएंगे, तो डेली वही क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है। एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम लगेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उससे आपको जो 2-3 घंटे का टाइम मिलता है वो अच्छा प्रॉपर आप 2 घंटे में 125 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आते हुए भी आदमी नहीं कर पाता, तो इसलिए हमेशा आप प्रैक्टिस बनाए रखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर पेंटिंग ड्राइंग से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी कृति है। ये क्वेश्चन, ये समझ लीजिए, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछना तय है। यानी ये कंपलसरी है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आंसर भी दे दिया है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी है। तो यहाँ पे एंजेलो, राफेल, पिकासो, विंची सबका दिया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी विंची का, द लास्ट सफर पेंटिंग विंची का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा। भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। ठीक है, तो जहांगीर के समय में, यानी चित्रकला की बात किया जा रहा है। यहाँ देखिए, चित्रकला की बात, कला की बात नहीं किया जा रहा है, वास्तुकला की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे चित्रकला की बात किया जा रहा है। तो चित्रकला जो है उसका स्वर्णकाल जहांगीर के ही समय हुआ था। ठीक है, जिनके दरबार में मंसूर जैसे चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। ऑप्शन में है एलोरा, सित्तनवासल, भीमबेटका, अजंता। ठीक है, तो एलोरा गुफा आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है। यानी सबसे निम्नलिखित गुफाओं में से सबसे पुराने चित्र जो हैं वह एलोरा में है। अब देखिए, ये मत कहिए कि सबसे पुराने गुफा चित्र कहाँ पे मिले हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से, मानिए जो ऑप्शन में दिया गया है उसी में से आपको बताना है, तीसरा चौथा ऑप्शन पाँचवा ऑप्शन नहीं बताना। ठीक है, तो ये सब चीज़ बराबर ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। अब मुगल चित्रकला शैली की विशेषता आपको बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबार चित्रण, युद्ध चित्रण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है, यानी पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य भी है मुगल चित्रकला में, दरबारी चित्रण भी हुआ है, युद्ध दृश्य भी हुआ है, तो ये जो है उपयुक्त सभी का ऑप्शन है, तो उपयुक्त सभी का ही ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली रचना में सहायता प्रदान की है। ऑप्शन है चार, कौन कौन से उसको देख लेते हैं, यूनानी एवं रोमन, भारतीय एवं यूनानी, भारतीय एवं रोमन, भारतीय एवं मिस्री। तो बी ऑप्शन सही बताया है, भारतीय एवं यूनानी, कौन सी सभ्यताओं में गंधार कला शैली की रचना में सहायक प्रदान किया है, तो भारतीय और यूनानी जो शैली है वह गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान किया है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं क्वेश्चन पे, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। अब ऑप्शन में चार दिया गया है, कौन कौन सा उसको देख लेते हैं, दैनिक क्रियाकलापों का, प्राकृतिक रचनाओं का, युद्ध दृश्यों का, पशु पक्षियों का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, प्राकृतिक रचनाओं का। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है, तो प्राकृतिक रचनाओं का। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ है।
सिंध से, कश्मीर से, पर्सिया से, अफगानिस्तान से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, पर्सिया सुआ है। राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव पर्सिया से हुआ है। आगे क्वेश्चन है शाहजहाँ का ताज का देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम पेपर में जो ज़्यादा आए रहते हैं क्वेश्चन, उसको बोला जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शाहजहाँ का ताज का देखना, बुध और सुजाता, कमल के पत्ते का अश्रुकण, ठीक है अश्रुबिंद भी है अश्रुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियाँ हैं। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, जैमिनी राय। तो राजा रवि वर्मा का ये सब चित्र ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अवनींद्रनाथ ठाकुर सही हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर के ये सारे चित्र हैं। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भीम बेटका से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो भीम बेटका पढ़िए। भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। तो इन सभी में से गुफाओं के शैल चित्र के लिए ही प्रसिद्ध है भीमबेटका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सही करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाघ गुफा से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बाघ गुफा बागनी नदी के किनारे मध्य प्रदेश में धार जिला में स्थित है, और बाघ गुफा यहाँ पे जो है 1919 में इसकी 1918 में इसकी खोज हुई। तो यहाँ पे देखें तो चित्रकला के प्रसिद्ध गुफा बाघ गुफाएँ प्रसिद्ध हैं, तो चित्रकला के लिए, स्थापत्य कला के लिए, मूर्तियों के लिए, अभिलेखों के लिए। तो ये ऑप्शन सही होगा चित्रकला के लिए, यहाँ पे चित्रकला बहुत अच्छी बनी है, ठीक है 34 गुफाओं में। और ये जो है बाघ गुफा में जो चार गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, किस धर्म किस चीज़ से संबंधित है, कौन सी किस गुफा को क्या चीज़ बोलते हैं, इन सभी को आपको विधिवत जानकारी लेना है, यानी एक एक गुफा के बारे में अच्छे से जानकारी विधिवत लेनी है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और मेरे वीडियो में पहले से मैं भी बता के रखा हूँ, ज्योति मैम भी बता के रखे हैं, प्लेलिस्ट में है सारा वीडियो, जाके आप देख सकते हो। और आप टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो, जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना है आप टेलीग्राम पे, फेसबुक पे कमेंट भी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, तो आपका वीडियो मिस ना हो और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। साथ में आप शेयर जरूर करिए दीजिएगा। थैंक यू।